गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था आवर्धन और दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र जो होता है वो 1/F = 1/V + 1/U। एफ फोकस दूरी, वी प्रतिबिंब की दूरी, यू वस्तु की दूरी। इनको प्लस में किसको लेना है, माइनस में किसको लेना है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। यू जो होता है वस्तु की दूरी हमेशा ही माइनस में ली जाती है, और फोकस दूरी अवतल दर्पण के लिए माइनस में होती है, उत्तल दर्पण के लिए प्लस में होती है। वी वी मतलब प्रतिबिंब की दूरी, उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब की दूरी हमेशा ही प्लस में आती है, अवतल दर्पण के लिए वो माइनस में भी हो सकती है और प्लस में भी हो सकती है। आवर्धन का सूत्र मैंने शुरू में बताया था, एम बराबर है एच डैश बटे एच। एच डैश प्रतिबिंब का साइज या प्रतिबिंब का आकार कह सकते हो, या उसकी ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। इसका एक और सूत्र है जो मैं लास्ट वीडियो में बताना भूल गया था, तो उसको माइनस वी बटे यू, ये भी आवर्धन का सूत्र होता है। एच डैश बटे एच ये तो है ही, माइनस वी बटे यू ये भी आवर्धन का ही सूत्र है। तो इन दो फॉर्मूले से रिलेटेड, दर्पण सूत्र या आवर्धन से रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, कुछ सवाल है जो हम निकालेंगे। जैसे पहला सवाल, किसी वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले कोई अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी है, मान लो ये अवतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। देखो फोकस दूरी, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी ये है 10 सेंटीमीटर दे दी उसने। उसके सामने वस्तु को 8 सेंटीमीटर रखा है, फिर 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर रखा है, और पूछा कि इनमें से कौन सी स्थिति में प्रतिबिंब छोटा बनेगा और वास्तविक बनेगा। देखो हमें पता है अवतल दर्पण में जो वस्तु अनंत पे होती है तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पे बनता है, छोटा बनता है। जब वस्तु सी से परे होती है तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बनता है। जब वस्तु सी पे होती है प्रतिबिंब सी पे ही बनता है और उसी साइज का होता है जितनी साइज की वस्तु होती है। अब उसने कहा कि छोटा और वास्तविक कब बनेगा, देखो जब इस पे रखी जाती है तो बनता है समान साइज का, जब इस साइड रखी जाएगी सी से इस साइड तो प्रतिबिंब छोटा बनता है हमेशा ही। अनंत पे थी वस्तु तो यहाँ बना बहुत छोटा, जब थोड़ी आगे आई सी से परे तो दोनों के बीच में बना उसे थोड़ा बड़ा बनता प्रतिबिंब, फिर सी पे आई तो समान साइज का, फिर सी से आगे चली जाएगी तो प्रतिबिंब बड़ा बन जाएगा वस्तु से। तो अब देखो उसकी फोकस दूरी है, फोकस दूरी दे रखी है कितनी 10 सेंटीमीटर। हमें पता है आर जो होता है, आर वक्र का त्रिज्या, वो फोकस दूरी का 2 गुना होता है, 2 गुना F, तो 2 गुना 10 मतलब 20। ये वक्र का त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी 20 सेंटीमीटर। अगर हम 20 सेंटीमीटर सी पे रखते हैं 20 सेंटीमीटर तो प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा। तो इसमें एक प्रश्न है, देखो लिखा वस्तु के समान आकार का कब बनता है, जब सी पे होता है, मतलब वस्तु अगर वक्रता त्रिज्या पे रखी जाएगी, जितनी दूरी वक्रता त्रिज्या की है मतलब 20 सेंटीमीटर पे रखी जाएगी, तो इसका उत्तर कि प्रतिबिंब वस्तु के समान कब बनेगा, जब वो होगी 20 सेंटीमीटर दूरी पे। फिर उसने कहा छोटा और वास्तविक कब बनेगा, देखो सी से इस साइड जब वस्तु रखी जाएगी, मतलब अगर दूरी 20 सेंटीमीटर से अधिक होगी, और 20 सेंटीमीटर से अधिक की वजह से कौन सी है 25 सेंटीमीटर, मतलब अगर वस्तु को 25 सेंटीमीटर पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब छोटा और वास्तविक बनेगा। ठीक है, दो गए। फिर उसने कहा बड़ा तथा वास्तविक, बड़ा और वास्तविक कहा उसने, अगर बड़ा आभासी कहता तो अलग बात थी, तो बड़ा और वास्तविक कब बनता है, देखो इस पे समान साइज का, इससे आगे इस साइड सी से आगे जहां भी रखी जाएगी वस्तु तो प्रतिबिंब बड़ा ही बनता है। अब सी से आगे इस साइड अगर एफ और पी के बीच में रखते हैं, हमें पता है ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब आभासी बनता है और दर्पण के पीछे बनता है, लेकिन इसने बात की बड़ा कब, वास्तविक की बात की है कि वास्तविक कब बनेगा। तो इसका मतलब है हम एफ से इस साइड नहीं रख सकते और ना ही सी से उस साइड रख सकते हैं, क्योंकि सी से उस साइड रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा छोटा, वस्तु से छोटा। उसने कहा बड़ा कब बनेगा,
तो C और F के बीच में ही हो सकती है वस्तु। तो C से तो कम होगा मतलब 20 से तो कम होगा और 10 से ज्यादा होगा, तो इसमें 20 से कम और 10 से ज्यादा कौन सी वैल्यू है 15, मतलब यहाँ 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर अगर वस्तु रखी गई है तो प्रतिबिंब बड़ा तथा वास्तविक बनेगा। बड़ा तथा आभासी कब बनेगा? हमें पता है कि अवतल दर्पण में एक स्थिति ऐसी होती है जब प्रतिबिंब आभासी बनता है, वो जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में होती है, मतलब मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, इन दोनों के बीच में जहां भी वस्तु होगी वो 10 से कम ही होगी और 10 से कम 8 सेंटीमीटर। अगर वस्तु को 8 सेंटीमीटर पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब बड़ा तथा आभासी बनता है। ठीक है भाई, ये पहला सवाल था। उसके बाद हम दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल दिया है इसमें, कोई एक सेंटीमीटर साइज की वस्तु है, कोई एक सेंटीमीटर साइज की वस्तु, जो जो दिया गया है वो लिख लो। वस्तु का साइज दे दिया मतलब h बराबर है 1 सेंटीमीटर, और h हमेशा ही प्लस में लिया जाता है क्योंकि वस्तु तो हमेशा ही सीधी रखी जाएगी। 1 सेंटीमीटर साइज की वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है। कोई अवतल दर्पण है उसके सामने 1 सेंटीमीटर की वस्तु रखी हुई है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो रखी है f दे दिया कितना 10 सेंटीमीटर, और हमें पता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ही माइनस मिल जाती है, माइनस 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी दे रखी है। कितनी दूरी पर रखी है वस्तु? वस्तु की दूरी को हम लिखते हैं u, स्मॉल u, और वस्तु की दूरी हमेशा ही माइनस में ली जाएगी, ये पहले बता चुका हूं। तो कितनी दूरी पर रखें? माइनस 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है। प्रतिबिंब का आकार क्या बताना है? आकार मतलब ऊंचाई बताओ, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या आएगी, उसकी स्थिति, स्थिति का मतलब कहां बनेगा, स्थिति मतलब v निकालना हमें, ठीक है। ऊंचाई का मतलब है h डैश निकालना हमें, तभी तो आएगी। प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश निकालना है, स्थिति मतलब v निकालना है, और प्रकृति मतलब वास्तविक है कि आभासी है, ठीक है, वो निकालेंगे। अब v निकालने के लिए हमारे पास दर्पण सूत्र है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। ये सूत्र तभी लग सकता है जब इन तीन वैल्यू में से कोई दो दी गई हो तो हम तीसरी निकाल सकते हैं, अगर इनमें से कोई दो नहीं दी गई तो फिर ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा, ठीक है। अब देखो इस फॉर्मूले में f f दिया गया है, u u दिया गया है, तो हम v निकाल सकते हैं आसानी से, तो वैल्यू पुट कर दो बस, 1/f, f की जगह माइनस 10, 1/v u का u रख दिया, प्लस u की जगह माइनस 15, 1/-15, ठीक है। 1/-10, 1/v प्लस माइनस माइनस 1/15, जो निकालना है उसको एक साइड रखो, बाकी सबको दूसरी साइड, मतलब ये निकालना है इसको इस साइड रखो, तो माइनस 1/10, ये माइनस वाला इस साइड प्लस हो जाएगा, प्लस 1/15 इस साइड ले आओ इसको, और ये जाएगा 1/v, इन दोनों का एलसीएम ले लो, दोनों एलसीएम कितना आ जाएगा 30, ठीक है, 10 या 30 माइनस 3, ठीक है, इसकी वैल्यू इसका प्लस 2 30 करके इक्वल टू 1/v, ठीक है। माइनस 3 में से प्लस का 2 जाएगा, माइनस का 1/30 बराबर है 1/v। वी का मान निकालने के लिए उल्टा करो दोनों को, तो ये हो जाएगा माइनस 30 बराबर है वी, तो वी का मान कितना आया? माइनस 30 सेंटीमीटर, माइनस 30 आया। माइनस 30 का मतलब क्या है कि प्रतिबिंब भी लेफ्ट साइड में ही बनेगा। अब क्या निकाला उसने? स्थिति तो पता कर लिया हमने भाई, वी तो पता कर लिया, अब निकाला h डैश। h डैश का सूत्र होता है हमारे पास आवर्धन का सूत्र होता है, m बराबर होता है m बराबर h डैश बटे h, ये सूत्र है। इसका एक और सूत्र है माइनस वी बटे यू, ये सूत्र है। अब h डैश नहीं दिया गया है,
सिर्फ इसको उठा लो, इस साइड वाले को एच डैश निकालना ही है। एच दे रखा है एक सेंटीमीटर, तो एक रख दिया एच की बराबर, माइनस माइनस लिख दिया वी, वी माइनस का 30, यू यू कितना दे रखा है इसमें 15 सेंटीमीटर माइनस का ये भी, ठीक है। अब एच डैश बटे ए बराबर, देखो एक माइनस, एक माइनस से प्लस हो जाएगा और एक माइनस बच जाएगी, तो 15 × 30 हो गया, एक माइनस माइनस प्लस और एक माइनस बच गई, माइनस का 2 बटाई, इसको आर पर गुणा करो, एच डैश बराबर हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। एच डैश माइनस का 2 का मतलब क्या है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा, क्योंकि माइनस टू एच डैश की वैल्यू माइनस टू ऊंचाई माइनस में आई तो मतलब वो मुख्य अक्ष से नीचे ही बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है। इतना हो गया ऊंचाई आ गई, अब क्या निकालना है इसमें प्रकृति, प्रकृति निकालनी। देखो प्रकृति निकालने के लिए मैंने तुम्हें बताया था कि आवर्धन निकाल के देख लो, अगर आवर्धन का मान माइनस में आता है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, अगर आवर्धन का मान प्लस में आता है तो प्रतिबिंब आभासी बनता है। तो n बराबर h डैश बटे h, h डैश का मान अभी निकाला तुमने माइनस 2 h डैश मान, और h प्लस भी होता है कि, तो m का मान कितना है माइनस 2, माइनस में आया, अगर माइनस में आया है m का मान तो प्रतिबिंब कैसा आएगा वास्तविक होगा, ठीक है। तो हमने निकाल ली, हमने निकाला था ऊंचाई, हमने निकाली एच डैश, स्थिति v, तो हमने v निकाला, प्रतिबिंब की प्रकृति मतलब वास्तविक है कि आभासी, वो हमने निकाल लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो तीसरा क्वेश्चन, जो तीसरा क्वेश्चन जो इसमें लिखा है, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की कोई वस्तु है, तो मतलब वस्तु की ऊंचाई दे दी, h दे दिया 2 सेंटीमीटर, जो दिया गया वही लिख देंगे। कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने 16 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है, वस्तु की दूरी दे दी u, वस्तु की दूरी हमेशा ही माइनस में ली जाती है, माइनस 16 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है, यह 3 सेंटीमीटर ऊंचाई का वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है, 3 सेंटीमीटर ऊंचाई का वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है, मतलब h डैश 3 सेंटीमीटर ऊंचाई का वास्तविक प्रतिबिंब, h डैश 3 वास्तविक बनाती है। और देखो मैंने एक बात तो बताई तुम्हें, जब भी प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा ही होता है, और उल्टा होगा तो ऊंचाई h डैश माइनस में लेते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है, ये लास्ट वीडियो में मैंने बताया। तो h डैश का मान माइनस में लेंगे, क्यों, क्योंकि जो प्रतिबिंब है वो उल्टा बनेगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ कि प्रतिबिंब वास्तविक, तो निकालना क्या है इसमें फोकस दूरी और उसकी स्थिति, मतलब f निकालना फोकस दूरी और स्थिति मतलब v निकालना है, ठीक है। अब हमारे पास एक सूत्र है आवर्धन का, m बराबर है h डैश बटे h, एक और सूत्र है आवर्धन का माइनस का v बटे u, अब h डैश का मान दिया उसने, अब ये वाला ले लो बस, h डैश माइनस 3, ठीक है, h 2 माइनस v निकालना ही है, तो v का यू पर लिख दिया, u दे रखा माइनस 16, ठीक, ये लिख दिया। अब माइनस 3 बटे 2 माइनस माइनस प्लस v बटे 16 प्लस हो गया, ठीक है, r पर इनकी गुणा कर दो r पर ऐसे, तो क्या हो जाएगा 2 की और v की गुणा 2v बराबर 16 × 48 माइनस 48, तो v बराबर है माइनस 48 बटे 2, कितना आएगा 24, माइनस 24, तो माइनस 24 सेंटीमीटर प्रतिबिंब की दूरी आ गई, मतलब v ये लेफ्ट साइड में ही बनेगा क्योंकि माइनस दिया गया है। अब क्या निकालना है उसकी फोकस दूरी, अब फोकस दूरी के लिए हमारे पास दर्पण सूत्र होता है, दर्पण सूत्र 1 बटे
एफ बराबर है एक बटे वी प्लस एक बटे यू, ये सूत्र दर्पण सूत्र। एक बटे एफ, एफ तो निकालना ही है, एक बटे वी अभी निकाला था माइनस चौबीस, एक बटे माइनस चौबीस प्लस यू दे रखा है माइनस सोलह, तो एक बटे माइनस सोलह, ठीक है। एक बटे एफ बराबर एक बटे माइनस चौबीस प्लस माइनस माइनस एक बटे सोलह, ठीक। एलसीएम ले लो दोनों का, एलसीएम 48 आ गया, एलसीएम 24 गुणी 48 माइनस का 2 और 16 के 48 ये हो जाएगा माइनस माइनस का 3, ठीक है। तो 1 बटा एफ बराबर है 3 और 2 5, 5 बटे 48 ये आ गया। एफ का मान आ गया 48, उल्टा कर देंगे ना एफ निकालेंगे तो 48 बाई 5 वो भी माइनस का, ठीक है। ये आ गया इसकी फोकस दूरी, ठीक है, माइनस में आएगी क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ही माइनस में आती है। ठीक, एक दो प्रश्न और कर लेते हैं इसी रिलेटेड। जैसे एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, कोई अवतल दर्पण है जो किसी वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक मतलब m दे दिया कितना 3, ठीक है, वास्तविक लिखा है, वास्तविक लिखा उसने, लिखा है एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है जो दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है। तो वस्तु रखी हुई 10 सेंटीमीटर दूरी पर, माइनस 10 सेंटीमीटर उसने कहा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, और मैंने तुम्हें बताया था कि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान हमेशा माइनस में आएगा, तो माइनस 3 एम दे रखा है माइनस 3, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, मतलब बी निकालना, सीधी सी बात है बी निकालना, हम हमें पता है एम के दो फॉर्मूले हैं, आवर्धन के दो फॉर्मूले, एक एच डैश बटे एच, एक एम बराबर है माइनस का बी बटे यू, ये फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा एम माइनस 3, एम की जगह रखते हैं माइनस 3, माइनस वी निकालना है यू माइनस 10, ठीक है। अब माइनस 3 इसके बटे 1 लिख सकते हो, माइनस माइनस प्लस वी बटे 10 प्लस हो गया, तो आर पार गुणा करो इनकी, तो वी गुणा वी की एक के साथ, तो वी बराबर 10 या 30 माइनस 30, तो वी का मान वी बराबर आ गया माइनस 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो स्थिति आ गई इसकी, प्रतिबिंब की स्थिति। अब एक क्वेश्चन दिया गया इसमें, एक समतल दर्पण का आवर्धन प्लस एक है, समतल दर्पण का आवर्धन, समतल दर्पण का आवर्धन प्लस एक है, प्लस एक है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है। देखो समतल दर्पण का आवर्धन प्लस एक है, अगर आवर्धन प्लस में है, पहले बता चुका हूं, अगर आवर्धन का मान प्लस में आता है तो प्रतिबिंब होगा कैसा, आभासी, ठीक है। अगर आवर्धन का मान प्लस में है तो प्रतिबिंब आभासी होगा, और तो सीधी सी बात है इसका मतलब है यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा पड़ेगा, आभासी। और आवर्धन का मान एक है, आवर्धन का मान एक कब आएगा, एम बराबर एच डैश बटे एच, इसका मान एक कब आएगा, जब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों समान हो तभी तो मान एक आएगा। तो एक आवर्धन का मतलब क्या है कि वस्तु का साइज और प्रतिबिंब का साइज दोनों समान है, ठीक है। और हमें पता भी है समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है सदैव वस्तु के आकार के बराबर ही होता है, ठीक है भाई। ये कुछ क्वेश्चन थे, अगर और क्वेश्चन आप लोग देखना चाहो थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट अगर हम उठाए तो देखो, एक क्वेश्चन है इसमें,
दे रखा बुक में, हाउ फास्ट शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द कन्वर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए रियल इमेज ऑफ साइड एग्जैक्टली। कहता है कि एक अवतल दर्पण के सामने जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, अवतल दर्पण दे दिया तो माइनस में 20, एस एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी माइनस सॉरी 20 सेंटीमीटर है, उसके सामने वस्तु को कहां रखा जाए जिससे प्रतिबिंब वस्तु से 1/4 बने। 1/4 मतलब प्रतिबिंब वस्तु से 1/4 बने। मतलब माना वस्तु का साइज या ऊंचाई एच है, तो उसने कहा कि जो प्रतिबिंब बने वो उसका एग्जैक्टली 1/4 बने, तो मतलब एच डैश जो होगा वो एच का 1/4 होगा, मतलब एच गुना 1/4, तो मतलब एच बाई 4, ये एच डैश का मान होगा। कब? अगर प्रतिबिंब 1/4 बनेगा, वस्तु जितनी बड़ी है उसका 1/4 बनेगा, तो h डैश मतलब h/4। अब उसने कहा कि कितनी दूरी पर वस्तु को रखें हम, अगर ऐसा है तो देखो हमने निकालना है u, ठीक है, u कैलकुलेट करना है। अब हमारे पास सूत्र है आवर्धन का, m बराबर h/h बराबर माइनस का v बटे u, ये सूत्र है, ठीक है, ये सूत्र हम पुट कर लेंगे। अब इसमें वी भी नहीं दे रखा और ना ही यू दे रखा, अब कैसे निकालेंगे, अब देखेंगे। देखो इसको निकालना क्या है, यू ही निकालना है, फोकल लेंथ दे रखी है, अब h डैश का मान उसने कहा था h/4, तो h डैश की जगह हम लिखेंगे h/4, और h नीचे ये तो है ही, ये लिख दिया मैंने, बराबर माइनस का v बटे u, h से h गया, ठीक है, 1/4 बराबर माइनस v बटे u, ये याद रखना, हमने निकालना है u। अब मिरर फॉर्मूला से मतलब दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये हमारे पास दर्पण सूत्र। अब यहां से हमने u निकालना है, देखो कहीं से u निकालना बस। अब यहां v का मान इस इक्वेशन से v का मान निकालो, थोड़ा सा कैसे इनकी मल्टीप्लाई करो, r पर गुणा करो, क्या आ जाएगा u गुणा 1u बराबर माइनस का 4 वी, यह तो वी निकालना ना, वी बराबर यू बटे 4, वो माइनस का हो जाएगा यू बटे 4 माइनस का, ये वी का मान है। अब इसमें आ जाओ 1/f दे रखा है 1/-20 बराबर वी का मान, देखो वी का मान दे रखा 1/ ये दे रखा माइनस यू बटे 4, फिर प्लस 1/u, ठीक है, ये देखना। अब माइनस 1/20 बराबर ये उल्टा हो जाएगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा, माइनस 4/u प्लस 1/u, ये होगा इतनी सी बात, ठीक है। अब एलसीएम ले लो सभी का, 20u सभी का ले लिया मैंने, 20 से 20 कटा माइनस का u, यहाँ पे 20 से 20 गया माइनस का u, u से u गया 20 चुका 80, ठीक है माइनस का, अब और u से u गया यहाँ आ जाएगा प्लस
क्योंकि वस्तु की दूरी हमेशा ही माइनस में ही होती है, तो u होगा तो माइनस में ही होगा, तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, तो u से u होगा ये 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा u बराबर है बी, ये हो जाएगा 100, ठीक। u का मान आ गया 100, u 100 सेंटीमीटर, मतलब अगर वस्तु को 100 सेंटीमीटर दूर रखा जाएगा तो हमें वस्तु का प्रतिबिंब एग्जैक्टली 1/4 प्राप्त होगा, 1/4 प्राप्त होगा अगर हम दर्पण से वस्तु को 100 सेंटीमीटर की दूरी पे रखते हैं, ठीक है भाई, ये इतना सा। अब देखो यहाँ देखने से हो सकता है तुम्हें लगेगा कि ये क्वेश्चन आसान है, लेकिन ये तब तक समझ में नहीं आएंगे जब तक तुम खुद कॉपी पेन लेके अपने आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो इनको खुद करके देखना तभी ये समझ में आएंगे, ठीक है। अब तक के लिए इतना ही, बाकी हम बाद में करते हैं। अब हम शुरू करेंगे प्रकाश का अपवर्तन। ओके, थैंक यू।